बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदे। चीन को सुपर पावर बनाने के लिए अहम इजलास शुरू हो गए। जो बाइडेन गुस्से से पागल, चीन की ईंट से ईंट बजा देने के लिए ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान को जल्द अज जल्द बहरे जनूबी चीन पहुंचने का हुक्म। आखिर क्या होने वाला है, वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पर जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अमरीकी पॉलिसी मेकर्स ने कभी सोचा भी नहीं था कि आलमी सतह पर उनके मुल्क की बेमिसाल बर्तरी को 4-5 अशरे ही गुजरेंगे कि कोई ताकत उभर कर उनके सामने आ जाएगी और हकीकी मफहूम में हरीफ बनकर उनकी बालादस्ती बरकरार रखना नामुमकिन बना देगी। दोस्तों, चीन ने तकरीबन 4 अशरों की मेहनत शाका के बाद अब खुद को बड़े खेल के लिए तैयार कर लिया है। आलमी सियासत और मईशत पर काबिज रहने की आदत ने अमरीका और यूरोप के अतवार बिगाड़ दिए हैं। अब चीन सबसे बड़े और इंतहाई खतरनाक हरीफ के तौर पर उभरा है तो अमेरिका और यूरोप दोनों ही परेशान हो चुके हैं। खास तौर पर अमेरिका की बदहवासी का ग्राफ रोज बरोज बुलंद होता जा रहा है। अमेरिका ने यूरोप के साथ मिलकर 7 अशरों तक दुनिया पर राज किया और ये राज इतनी जल्दी खतरे में पड़ जाएगा, ये बात शायद अमरीकी पॉलिसी मेकर्स के ख्वाबो ख्याल में भी नहीं थी। आधी सदी से भी ज्यादा मुद्दत से अमरीका और यूरोप ने मिलकर अपनी ताकत में इजाफा तो किया, लेकिन इसे ज्यादा तवज्जो दूसरों को कमजोर करने पर मरकूज की और इसी सोच का नतीजा हम देख रहे हैं कि आज दुनिया भर में खराबियां ही खराबियां हैं और ये खराबियां अपनी ताकत बरकरार रखने के हवाले से अमेरिका और यूरोप की कोशिशों का नतीजा होने के बायस इन दोनों से शदीद नफरत को भी राह देती आई है। दोस्तों, आज दुनिया भर में अमेरिका और यूरोप से नफरत करने वालों की तादाद अरबों में है और अब यूरोप ने अपना रास्ता बदल कर मामलात को दुरुस्त करने पर थोड़ी बहुत तवज्जो दी है। दोस्तों, यहाँ पे आपको बीबीसी की एक बड़ी अहम खबर के हवाले से बताता चलूं, जिसमें कहा जा रहा है कि चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में इस माह की सियासी अशराफिया के 5,000 से ज्यादा अफराद कौम की मुकन्ना और आला तरीन मुशावरती इदारों के सालाना इजलासों में शिरकत के लिए जमा हो रहे हैं। और दोस्तों, आम जुबान में इनको दो इजलास कहा जाता है और इसमें चीन की पीपल पॉलिटिकल कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस और नेशनल पीपल कांग्रेस के इरकान आने वाले साल के लिए मरकजी हुकूमत की पॉलिसी और मंसूबे मुरतब देते हैं। और दोस्तों, बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक चीन में जारी दो इजलास चीन के हकीकी मानों में सुपर पावर बनने के लायअमल को तरतीब दिया जा रहा है, जिस पर अमरीकी सदर जो बाइडेन गुस्से से पागल हो गए हैं और उनकी जानिब से दुश्मन नंबर एक चीन को बहरुल काहिल में क्वाड के साथ मिलकर सबक सिखाने का ऐलान किया है और कहा है कि चीन को ऐसा सबक सिखाएंगे कि उसकी नस्लें याद रखेंगी। दोस्तों, जो बाइडेन जिसने मुआशी मैदान में चीन से जंग लड़ने का ऐलान किया था, इन इजलास के बाद जो बाइडेन को आखिर क्या हुआ है कि उसने अपने तीनों इत्तेहादी ममालिक जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत को बहरुल काहिल में चीन को सबक सिखाने के साथ साथ दीगर खितों में भी चीन के खिलाफ महाजराई की तैयारियां शुरू कर दी हैं। दोस्तों, अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि क्वाड ममालिक के मेंबर जल्द अज जल्द तावन पर आमादगी जाहिर करें। चारों ममालिक ने 2017 में बहरुल काहिल के खिते में चीन के जारहाना रवैये का मुकाबला करने के लिए 4 मुल्की इत्तेहाद बनाने की तजवीज को मंजूर किया था। दोस्तों, जो बाइडेन की नई कौमी सलामती हिकमत अमली पर अमरीका की 24 सफात पर मुश्तमिल कौमी सलामती की पॉलिसी ने चीन को एक मजबूत मुखालिफ के तौर पर पेश किया है। दरअसल, जो बाइडेन ने अमेरिका के सदर का ओहदा संभालने के बाद दुनिया को उनकी नई कौमी हिकमत अमली का इंतजार था। सदारती इंतखाबात के दौरान जो बाइडेन ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुतअद्दिद फैसलों की मजम्मत की थी, खास तौर पर चीन और ईरान के बारे में ट्रंप की जारहाना पॉलिसी के मुखालिफ थे। ऐसी सूरत हाल में इक्तदार संभालने के बाद दुनिया की नजरें जो बाइडेन की नई कौमी सलामती पॉलिसी पर टिकी थी, लेकिन जो बाइडेन की कौमी सलामती की पॉलिसी में चीन को अमेरिका का दुश्मन नंबर एक समझा गया है। और दोस्तों, बहरहाल चीन के अंदर मैदान सजने जा रहा है, जहाँ पर चीन की एक माह तवील जंगी मशकें जारी है और वहाँ पर अमेरिका और फ्रांस के जंगी बहरी बेड़े भी पहुँच चुके हैं और इसके साथ ही अमेरिका की जानिब से भारत को पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के लिए कहा गया है, ताकि भारत यकसुई के साथ चीन के साथ बहरा जनूबी चीन के अंदर जंग में हिस्सा ले सके। लेकिन दोस्तों, बहरा जनूबी चीन में छिड़ने वाली इस जंग से पाकिस्तान भी दूर नहीं रह सकेगा, क्योंकि पाकिस्तान और चीन इंतहाई काबिले एतमाद स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं और पाकिस्तान हर सूरत में चीन की मदद करेगा। और हालिया दिनों में दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई मुआहिदों से भी पता चलता है पाकिस्तान पर हमला, चीन पर हमला तसव्वुर किया जाएगा। दोस्तों, चीन अब अमरीका के सबसे बड़े हरीफ की हैसियत से उभर कर सामने आ चुका है और ऐसे में अमरीका के लिए नागुजीर है कि उसकी ताकत का दायरा कार महदूद रखने पर तवज्जो दी जाए। 2.5 अशरों से अमरीका यही कर रहा है, एक तरफ तो हाईटेक और दीगर अहम शोबों में बरतरी बरकरार रखने की कोशिश जारी है तो दूसरी तरफ सियासत
सियासी और अस्करी सतह पर मुहिम जोय भी जारी है ताकि मुख्तलिफ तरीकों से चीन और उसके इत्तेहादियों का घेराव मुमकिन हो। बास खितों में अमरीकी मुहिम जोय इस्तलाहन चीन का रास्ता रोकने के लिए है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि डोनाल्ड ट्रंप के अहदे सदारत में पॉलिसी मेकर्स ने अमरीका को हर हाल में अवलियत देने की राह पर गामजन होना पसंद किया। सदर ट्रंप ने सबसे पहले अमरीका का नारा लगाया और ये नारा उस वक्त की जरूरत था क्योंकि अमरीका ने दुनिया भर में बहुत ज्यादा पांव फैला रखे थे। ऐसे में लाजिम था कि अपनी सलाहियत और वसत का नए सिरे से जायजा लिया जाए ताकि मामलात को काबू में रखना मुमकिन हो सके। बुनियादी मसला यह था कि डोनाल्ड ट्रंप एक कदम आगे जाकर चीन से मुसाबकत को अमरीकी खारजा पॉलिसी के महवर में तब्दील कर दिया। ये बहुत बड़ी गलती थी क्योंकि चीन को बुनियाद बनाकर खारजा पॉलिसी मुरतब करने का एक मतलब तो चीन को हवास पर सवार करना था और दूसरा मफहूम ये भी था कि अमरीका अब चीन से वाज़ेह खौफ महसूस कर रहा है। चीन को खारजा पॉलिसी का महवर बनाने का एक मंतकी नतीजा ये बरामद हुआ कि अमरीकी पॉलिसी मेकर्स के पास बदहवासी पर मबनी इकदाम के सिवा ऑप्शन न रहा। कौमी सलामती यकीनी बनाए रखने के नाम पर चीन के खिलाफ गैर एलानिया पाबंदियों का रास्ता चुना गया और तिजारती मामलात काबू में रखने के लिए चीनी मसनूआत पर टैरिफ बढ़ा दिया गया। अमरीका तक चीनी मसनूआत की रसाई मुश्किल बनाने पर तवज्जो देने के साथ साथ चीन के टेलीकॉम सेक्टर से मुतल्लिक इदारों को भी लगाम देना जरूरी समझा गया। हाईटेक के शोबे में अमरीकी बालादस्ती के लिए अब खतरा सर उठा रहे हैं। दोस्तों आलमी बैंक ने एक रिपोर्ट में बताया है कि गुज़िश्ता बरस तक चीनी मौशत का हुजम अमरीकी मौशत के हुजम के 71% के मुसावी था। चीनी मौशत की शरह नमो 9.7% तक पहुँच चुकी है। गुज़िश्ता बरस चीनी बरामदात का हुजम कमोबेश 2,600 अरब डॉलर रहा। चीन के लिए मुवाफकत 2015 के बाद की बुलंदतरीन सतह पर है। अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बता दिया कि खदशात के बावजूद 2020 में चीन में बराह रास्त बैरूनी सरमाकारी कमोबेश 4% की हद तक बढ़ी है। माशी उमूर के तजियाकार कहते हैं कि चीन के हवाले से अमरीका की बदहवासी ने मामलात को मजीद उलझा दिया है। दो बड़ी ताकतों को अपने मामलात जितनी खुशसलूबी से तय करने चाहिए वो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे। अमरीका ने बुर्दबारी और मामला फहमी की अहमियत तस्लीम करने से इनकार करते हुए तसादुम की राह पर गामजन रहना पसंद किया और चीन ने अब तक तहम्मुल का दामन थाम रखा है। अमरीकी क़यादत को बहुत से मामलात में अपने मुल्क की कम होती हुई ताकत का अंदाजा है। बाज़ मामलात में रवायती अंदाज की बैनुल रियासती शायस्तगी से गुरेज करते हुए जारहाना रवैया शायद ये सोचकर अपनाया जा रहा है कि शायद इसी से कोई बेहतरी की राह निकल आए। दोस्तों एक बड़ी उलझन ये है कि अमरीका ने चीनी मौशत की रफ्तार घटाने पर जो तवज्जो मरकूज की अपनी मौशत की रफ्तार बढ़ाने को अब तक नुमाया तरजीह का दर्जा नहीं दे सका। सबसे पहले अमरीका की पॉलिसी भी ज्यादा कारगर नहीं हो सकी। अमरीका दुनिया भर के मामलात में इस हद तक मुदाखलत का मुर्तकब हो चुका है कि अब अपने आप को यकसर अलग थलग रखना मुमकिन नहीं रहा। महज अस्करी बर्तरी की बुनियाद पर खुद को अलग थलग रखना भी एक हद तक ही मुमकिन है। सवाल सिर्फ अस्करी पहलू का नहीं है, सियासत मौशत मुआशरत सकाफत और दीगर बहुत से हवालों से भी अमरीका ने इस हद तक पर फैला रखे हैं कि अब अपने आप को समेटना बहुत बड़े चैलेंज का दर्जा रखता है। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को सबसे बड़े चैलेंज के तौर पर लिया तो कुछ भी अजब नहीं था। हाँ, चीन से निमड़ने की हिकमत अमली तरतीब देने में कोताही सरजद हुई और चीन से बखूबी निमड़ने के मामले को अमरीकी खारजा पॉलिसी का महवर बनाने के तीन बुनियादी मनफी नतायज सामने आ रहे हैं। पहला ये कि अमरीका को फैसले रद्द अमल की बुनियाद पर करना पड़ेंगे, यानी कुछ भी करने से पहले ये देखना होगा कि चीन क्या कर रहा है। गोया अमरीका अमल के दर्जे से गिरकर रद्द अमल के गड्ढे में फंस चुका है। दूसरा ये कि आलमी सतह पर ये तसव्वुर तेजी से परवान चढ़ेगा कि चीन तेजी से उभर रहा है और दुनिया पर अमरीका की गिरफ्त कमजोर हो चुकी है। तीसरा ये कि खारजा पॉलिसी के लिए चीन को महवर बनाने की सूरत में अमरीका अलग थलग पड़ता जाएगा और कई शोबों में उसकी बालादस्ती भी दाव पर लग जाएगी। दोस्तों अगर माजी के मुख्तलिफ अदवार में देखा जाए, जब भी किसी सुपर पावर के लिए खतरात उभरे तब वैसी ही बदहवासी दिखाई दी जैसी अमरीकी क़यादत चीन के मामले में दिखा रही है। हर सुपर पावर ने बहुत सो को कुचल कर उनकी कबूर पर अपने महल तामीर किए होते हैं, इसलिए कमजोर पड़ने की सूरत में जिस बुरे सलूक का सामना हो सकता है उसका तस्वुर भी उसे डराता रहता है। अमरीका और यूरोप ने एक दुनिया को ताराज करके अपनी तरक्की और खुशहाली यकीनी बनाई है और ये एहसास जुर्म ही जिसके बायस चीन का उभरना उनके लिए नाक में दम करने का बायस बन रहा है। दोस्तों इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।